हर आदमी वोट डाले, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए, लेकिन हरसूद जनपद के अंतर्गत आने वाले पुनर्वास स्थल सिंधखेड़, जिसका मतदान केंद्र क्रमांक 211 है, यहां पर कुल 172 मतदाता है, जिनके द्वारा गांव में विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और अन्य मांगों की पूरा नहीं होने के कारण विधानसभा चुनाव में बहिष्कार किया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 घंटे में मात्र 7 वोट ही डाल पाए, जिसमें से अधिकांश सरकारी कर्मचारियों के वोट है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां पर 99% वोट डले थे, जब मतदाता 152 थे। विधानसभा चुनाव में 20 नवीन मतदाता बढ़े, लेकिन वोट नहीं बढ़ पाए। हमारे गांव में इसलिए वोट नहीं आया कि हमारे गांव में सुविधा का थोड़ा अभाव है, इस कारण पूरी जनता नाराज है। ना तो रोड बना है, ना पाइपलाइन है, पानी की टंकी है, ना तो पीएम आवास योजना का कोई सब कोई लाभ नहीं मिला। हमारे गांव में 171 वोट, 17 साल से पुनर्वास है ये, और पुनर्वास जब से बसा है जब तक कोई काम भी नहीं हुआ, अब भी देख सकते हैं। जानकारी मिलते ही हरसूद सीईओ प्रवीण कुमार इव ने यहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। पिछले 17 सालों से विकास कार्य को तरस रहे हैं ग्रामीण। मतदान करने पहुंचे दलों की संख्या 16 और 4 घंटे में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 7 रही। सिंधखेड़ की जानकारी मिली, यहां आया, ग्रामीणों ने जो समस्याएं बताई उनकी उनको जानकारी दी गई और उनको समझाइश दी गई। मुख्य समस्याएं जो सीसी रोड की बात उनकी थी, तो सीसी रोड के बारे में पंचायत ने कार्य योजना में कार लिए हैं, और उसके अलावा आवास की बात थी, तो आवास पोर्टल पर इस गांव का नाम नहीं है, आवास प्लस ऐप में 32 लोगों के नाम इन्होंने जोड़े हैं। शौचालय की जहां तक बात है, शौचालय इस गांव में बने हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे भी शौचालय है। इस तरह की समस्याएं थी, उन पर चर्चा हुई है।